प्रधानमंत्री कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मोदी जी के राज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन, इस वक्त मणिपुर के दो ख़वातीन के वाक़यात ने जहां पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया और हिंदुस्तानी बाशिंदे दुनिया के हर अतराफ व अकनाफ से मणिपुर के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। हर एक मणिपुरी शहरी में गुस्सा पाया जा रहा है और मणिपुर के बाइज़ शहरी एहतजाज भी कर रहे हैं। आज एक मीडिया ने जब मणिपुर की एक लड़की से नरेंद्र मोदी जी के ताल्लुक से सवाल किया तो इनका जवाब सुनिए। उन्होंने अगर इस दुर्घटने के शुरुआत से अगर हमारी आवाज़ों को सुनी होती, अगर उन्होंने, तो आज ये दुर्घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। आपको बताते चले कि मणिपुर में दो खवातीन को जिंसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ आज शनिचर को इम्फाल में खवातीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ताहम उस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में आज सुबह सैकड़ों खवातीन ने गाड़ियों के टायर जलाकर और सड़कें ब्लॉक करके अपने गुस्से का इजहार किया। सुबह 9 बजे के करीब सूरत हाल उस वक्त अफरा तफरी का शिकार हो गई है जब खवातीन ने सड़क के दोनों अतराफ ब्लॉक कर दिया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस और फौज ने फौरी कार्रवाई की। इत्तलात के मुताबिक जब सिक्योरिटी एहलकारों ने टायर पर आग बुझाने की कोशिश की तो ये खवातीन गुस्से में आकर पुरतशद्दुद हो गई। फौज मुतालिका इलाकों में अमन अमान बरकरार रखने के लिए करीबी हसास इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। नाज़रीन, मणिपुर के दर्दनाक वाक़यात के ताल्लुक से आपकी क्या राय, ज़रूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।